जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा अलर्ट। आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत, 5 घायल। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी भी ढेर। रविवार देर शाम गगनगीर के पास बन रही टनल के निर्माण साइट पर हुआ हमला। 2 हमलावरों ने कैंप को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। काम से लौट रहे लोगों पर गोलियां बरसाई। गांधरबल में आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की ही एक शाखा है। टीआरएफ भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल रहा है लश्कर ए तैयबा। आतंकी हमले को लेकर के प्रियंका का एक्स पर पोस्ट, लिखा आतंकियों के खिलाफ देश एकजुट है। कांग्रेस बोली गांधरबल में हुआ आतंकी हमला बेहद शर्मनाक और दुखद। और अब बात दिल्ली में हुए धमाके की, जिसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन सूत्रों की माने साजिश बड़ी थी जिसके तार सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी अपडेट आपके सामने 9 सेकंड न्यूज। एंटी टेरर यूनिट को सौंपी गई है जांच। एनआईए और एनएसजी समेत केंद्र की तमाम सुरक्षा एजेंसी मामले की जांच कर रही है। दिल्ली को हाई अलर्ट रखा गया, बाजारों की सुरक्षा बढ़ाई गई। जांच एजेंसी के सूत्रों की माने तो धमाके के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्लास्ट की तीव्रता काफी ज्यादा थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक जांच में प्रशांत बिहार ब्लास्ट सोची समझी साजिश। आईईडी से ब्लास्ट की आशंका। ब्लास्ट से पहले पूरे इलाके की रेकी का शक। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री आतिशी ने सवाल उठाए। स्कूल के बाहर बम ब्लास्ट हुआ, क्या कर रही है केंद्र सरकार, सवाल पूछे। आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर हमला बोला। कहा केंद्र सरकार ने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को गैंगस्टर के हाथों सौंपा। राजधानी के हालात खराब होने पर बीजेपी का हाथ, ये बात कही। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले कि अगर उपराज्यपाल साहब से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है तो वो इस्तीफा दें। बिगड़ती कानून व्यवस्था से दहशत का माहौल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र झारखंड समेत उपचुनाव की, जिसके लिए तमाम दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। किस खेमे की क्या तैयारी है और किस गठबंधन में कहां कहां पेच फंसा है, ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से तो कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को प्रत्याशी बनाया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। लिखा छठी बार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने विश्वास जताया। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय समिति की आज बैठक होगी। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा फाइनल नहीं होने से रविवार को नहीं हो पाई थी बैठक। मुंबई में आज होगी महाविकास अघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर ऐलान कल। एनसीपी शरद, शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं से बातचीत हुई थी। एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख बोले सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं है, ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है। आज शरद गुट के कुछ उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री आरपीआई नेता रामदास आठवले ने महाराष्ट्र बीजेपी से 5 सीटों की मांग की है। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद बोले अगर महायुति की फिर सरकार बनती है तो सरकार को एक कैबिनेट मंत्री का पद भी मिलेगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने बड़ा ऐलान किया। मराठा बहुल इलाकों में उतारेंगे उम्मीदवार। कहा जहां जीत की संभावना ज्यादा वहां से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में सीट बंटवारे से नाराज आरजेडी बोली 12 से 13 से कम सीटें मंजूर नहीं होंगी। पार्टी नेता मनोज झा ने कहा अकेले चुनाव लड़े तो भी इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के आरजेडी की नाराजगी पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा महागठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है, फिर 2/3 मतों से होगी जीत। झारखंड में आजसू ने 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी से समझौते के तहत 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है पार्टी। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली से उम्मीदवार होंगे।
झारखंड बीजेपी की पहली लिस्ट आने के साथ शुरू हुआ विरोध। जमशेदपुर पूर्वी सीट से पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू को टिकट दिए जाने से स्थानीय नेता शिवशंकर सिंह के समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर के सूत्रों से खबर, सीटों को लेकर कांग्रेस एसपी गठबंधन में खटास। उपचुनाव से दूरी बना सकती है कांग्रेस, 9 में से सिर्फ 2 सीट दिए जाने से कांग्रेस नाराज। सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गतिरोध पर बोले बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, यूपी में कांग्रेस है अखिलेश के बैसाखी के सहारे, कांग्रेस का नहीं बचाए कोई जनाधार। राजस्थान की सलुम्बर सीट से टिकट न मिलने पर बीजेपी नेता नरेंद्र मीणा नाराज हुए। उपचुनाव में पार्टी ने शांता देवी को उम्मीदवार बनाया है, उनके पति अमृत लाल के निधन से खाली हुई है ये सीट। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह, वित्त, आबकारी सहित कई विभाग अपने पास रखे। अनिल विज को मिला ऊर्जा, परिवहन, श्रम मंत्रालय का जिम्मा। आइए 9 सेकंड न्यूज में वक्त है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का, क्या अपडेट मिल रही है आपके सामने रखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सीएम आतिशी पर पलटवार, कहा सरकार बताए कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक यमुना में मिलने वाले गंदे नालों के लिए कौन जिम्मेदार है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का मनीष सिसोदिया पर पलटवार, कहा कि डर का माहौल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने घोटाले किए। एलजी भी इस घटना को लेकर चिंतित। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कई राउंड फायरिंग, दो गुटों में विवाद के बाद 10 राउंड गोली चली, एक शख्स की मौत पुलिस कर रही है, मामले की जांच। विमानों में लगातार मिल रही बम की धमकियां, रविवार को 24 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली, सुरक्षा जांच की वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा फ्लाइट्स में बम की धमकी की जांच कर रही एजेंसीज, मामले में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जोधपुर फ्लाइट को बम से उड़ाने की एक बार फिर मिली धमकी, इंडिगो की पुणे जोधपुर फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी, सुरक्षा एजेंसी की जांच के बाद फ्लाइट को रवाना किया गया। राजस्थान के किशनगढ़ में स्टार एयरलाइंस की फ्लाइट में भी बम की धमकी मिली, पुणे से किशनगढ़ रवाना होने के बाद मिली थी धमकी, जांच के बाद प्लेन में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। बाबा सिद्दकी हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, मुंबई क्राइम ब्रांच ने बेलापुर से एक और आरोपी भगवंत को किया गिरफ्तार, हत्याकांड में 10वीं गिरफ्तारी हुई। सूत्रों के मुताबिक भगवंत ने शूटर्स के रहने, हथियार मुहैया कराने में मदद की थी। भगवंत राजस्थान से मुंबई तक हथियार लाया था, 26 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में आरोपी। बाबा सिद्दकी हत्या मामले में पहले गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है, चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, गुलमेर, धर्मराज, प्रवीण, हरीश की पेशी होगी। बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह रोक लगाई, मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हिंसा के आरोपियों ने कहा सरकार का मकसद बगैर मुकदमा सजा देना है, 3 आरोपियों ने याचिका दायर की। पंजाब और हरियाणा में अभी तक नहीं रुक पा रहा पराली जलाने का मामला, हरियाणा के करनाल में किसान पराली जला रहे हैं, खेतों में प्रशासन की सख्ती का कोई असर नहीं। बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की आशंका, चक्रवात डाना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट, बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश की आशंका। पटाखों पर रोक से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में मामले की आज सुनवाई होनी है, पिछले साल कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर रोक से जुड़ा पुराना आदेश लागू रहेगा। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के जरिए ये शब्द जोड़े गए थे। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सभी मदरसा छात्रों का दाखिल राज्य सरकार के सामान्य स्कूल में करवाने के आदेश जारी किए थे।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया। आज शाम 5 बजे सचिवालय में मुलाकात संभव, डॉक्टर्स अपनी मांग पर कायम। और बागपत में प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्री में आग लगी, शॉर्ट सर्किट होने से आग, फैक्ट्री में लाखों का नुकसान, इस बात की आशंका जताई जा रही है। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के सराय रोड पर प्लास्टिक फैक्ट्री और दिल्ली के नागलोई फैक्ट्री में भी आग लगी है। तो दिल्ली के नागलोई फैक्ट्री में आग की भी खबर, सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियां पहुंची, आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में चलती कार में लगी आग, सड़क से गुजर रहे राहगीरों में हड़कंप मचा। यूपी के उन्नाव में हाईवे निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत, जेसीबी से खुदाई के दौरान किनारे की मिट्टी खिसकने से दब गए थे 3 मजदूर। राजस्थान के सीकर में ट्रेन से मवेशियों की टक्कर, एक साथ 4 मवेशियों की ट्रेन से टक्कर, टक्कर से ट्रेन की तेल सप्लाई पाइप टूटी, लोगों में डीजल लूटने की होड़ मची। उत्तराखंड के रानीखेत में तेंदुए का खौफ, सड़क पर एक साथ नजर आए कई तेंदुए, रोड से गुजर रहे राहगीरों ने वीडियो बनाया, ग्रामीण कर रहे हैं तेंदुए को पकड़ने की मांग। बिहार के नवादा में 102 एम्बुलेंस चालकों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, सभी एम्बुलेंस को अस्पतालों में खड़ा किया, 4 महीने से बकाया वेतन समेत कई मांगे। मुश्किल में ईरान से दुल्हन बनकर भारत आई फायजा, मुरादाबाद के दिवाकर से शादी करने के बाद मिल रही है धमकियां, शादी से नाखुश लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर आपत्ति जता रहे हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने की केदारनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना, बाबा केदार का आशीर्वाद लिया, तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की।